गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसमें आपने देखना है कि आपको कॉमन क्या लगता है। इसमें कॉमन है आपका 2/5 3/7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर 2/5 1/14 को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। हमने इसको इकट्ठा करके लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर आपका आ गया -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। ये आपस में कट जाता है 3 1 आर 3 3 2 आर 6। अब 2/5 इन दोनों में ही कॉमन है, जिसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। हमने 2/5 यहाँ पर कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर क्या आया 2/5 बाहर है, माइनस का 3/7 आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन 2/5 हम कॉमन ले चुके हैं, अंदर आया 1/14 माइनस, यहाँ 1 है यहाँ पर भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ 6 को काट कर कितना आया है 2 मल्टीप्लाई 2 4। 2/5, अब 7 और 14 का एलसीएम लिया जाएगा और 7 और 14 का एलसीएम हमारे पास आएगा 14। अब सेम जैसे पहले किया है, 14 को 7 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर -3 प्लस 14 को 14 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 1 -1/4 1/4। 2/5 2 मल्टीप्लाई -3 -6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 14 -1/4। 2/5 ब्रैकेट के अंदर -6 प्लस 1 इसके इक्वल होगा -5/14। 5 1 is 5 5 1 is 5 2 1 is 2 2 7 are 14 -1/4 -1/7 -1/4 7 और 4 का एलसीएम लिया 28 28 को 7 के साथ डिवाइड किया 4 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर -1 माइनस 28 को 4 से डिवाइड किया 7 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई -1 -4 7 मल्टीप्लाई 1 7 माइनस का साइन है तो माइनस डिवाइड बाय 28 इक्वल टू माइनस, माइनस आपका प्लस है और साइन आएगा माइनस का, -4 -7 इक्वल टू -11/28 और ये आपका आंसर है। ये आपने कॉपी में नोट कर लेना है। थैंक यू।